अदा किया जाए और इस पार्टी को जो है ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ के हक में अपना फैसला बदला और अपनी पार्टी का दामन थामा, और अपनी पार्टी का दामन थामने के बाद जब इनके काम को, इनकी मेहनत को लतीफ साहब से इनसे यही गुजारिश करता हूं कि ये आप लोगों की जो डिमांड्स हैं, ये आप लोगों की जो मुसीबतें हैं, आप लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, उनको नज़र में रखते हुए आपके साथ मिल के काम करें। चूँकि हम इनके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, हमें पता है ये लोग जो है, अब लतीफ शेख साहब जो हैं आपके इस वक्त प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन हैं, मैं इनको एक बार फिर से बहुत ही मुबारकबाद देता हूं और इनकी तरफ से आप सबको, जो कि आज आप सब जानते हैं कि हमारे सारे मैक्सिमम ऑफिस बेयरर्स हैं और जो भी साथी हमारे बीच आए हैं, ये भी किसी उम्मीद से आए हैं, मैं बहुत बहुत मुबारक हो। इनका यहाँ आना, इनका जो खसूसी तौर पर घर का पूरा खानदान जो है, सियासी खानदान है, काफी लोगों का जोर जमा है इनके साथ, इनका जुबान का मुबारकबाद। भाई साहब है जावेद इकबाल साहब, उमर भाई आप आ जाओ, आ जाओ यार, आ जाओ। असलम साहब को असलम साहब भी डाल देंगे, आगे कुछ काम करेंगे। मुबारक मोहम्मद इरफान साहब, जनाबे मोहम्मद असलम साहब, जनाबे असगर साहब, जनाबे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाबे असगर साहब, जनाबे अल्ताफ साहब, जनाबे अल्ताफ साहब, जनाबे असलम साहब, जनाबे असलम साहब, जनाबे लतीफ साहब, जनाबे लतीफ साहब, महिंदर जी। सबसे अहम जो हिस्सा था आज की तकरीब का, वो ये था जो हमारे जो दो सीनियर साथी हैं, मोहतरम असलम मलिक साहब और मोहतरम अब्दुल लतीफ़ शेख साहब। मोहतरम असलम मलिक साहब को हमारा सूबाई सेक्रेटरी बनाया गया है पार्टी की तरफ से, और मोहतरम लतीफ़ साहब को सूबाई नायब सदर बनाया गया है ट्रेड यूनियन विंग का। आज की तकरीब का जो मेजर इशू था वो इन दोनों का इस्तकबाल करना था। सब लोगों ने मिलजुल के आज की तकरीब में इन दोनों लोगों का इस्तकबाल किया, और आज की तकरीब में उसके आगे की जो कार्रवाई हुई वो मैं गुजारिश करता हूं असलम साहब मलिक से कि वो उसके आगे की कार्रवाई आपसे जो है वो आपसे शेयर करें। गुजारिश ये है कि आज के दिन के सिलसिले में जो हमें यहां पर डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने रिसेप्शन दिया, उनका सबका शुक्रिया करते हैं। उससे कबल जो हमें अपनी पार्टी ने इन अहदों पर फाइज किया, दरखसूस जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, जनाब मंजीत सिंह साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आज यहाँ पर ये कहना ज़रूरी महसूस करता हूँ कि यहाँ पर लोगों का जो लोग जमा हुए थे, हमने कोशिश की है कि उनको एक यकीन दहानी देने के लिए कि हम, हमारी पार्टी सच बोलने की आदी है, सच बोलने के लिए हुक्म हुआ है, सच ही को बर्दाश्त करने के लिए हुक्म हुआ है। तो उनको सबको अपने अपने एड्रेस दे दिए, अपने अपना काम का मशवरा बता दिया, अपने जो तरीका कार बता दिया कि हमने किस अंदाज़ में, किस सिलसिले में, कहां से शुरू करना है। इसी तरीके से तमाम जितनी भी डिमांड्स हैं उन सिलसिले में कहा है कि यहाँ पर के लोगों के जज्बे और वलवले का
अंदाज यहाँ से दिखा जाना चाहिए कि आज के दिन में ही काफ़ी सीनियर लोगों ने मुख्तलिफ इलाक़ात से आकर यहाँ पर ज्वाइनिंग की है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सर। मशहूर हूँ ज़िला इकाई किश्तवाड़ का, जिन्होंने बड़े सदके दिल से हमारा इस्तकबाल किया, मेरा और असलम साहब का, जो हमारे स्टेट सूबाई सेक्रेटरी बन गए और मुझे सूबाई वाइस प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन का बनाया गया। और मैं आज के इस मौके पे जनाब अल्ताफ़ साहब बुखारी, सैयद असगर अली साहब और मंजीत सिंह जो हमारे पार्टी के हेड हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस ओहदे से नवाजा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मनसब को पूरी सदक दिल्ली से निभाएं। और आज हमने एक ही पैगाम दिया, क्योंकि मुझे जो मनसब दिया गया है ट्रेड यूनियन का, जितने भी लोग किश्तवाड़ में पूरे प्रांत में हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि जहां भी आपकी कोई मुश्किलात है, अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन आपके साथ है और हम उनके मसलों को इंशाल्लाह ताला हाई कमांड से पहुँचा कर आगे बढ़ा देंगे।